अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? मैं हूं सुहेल मुमताज बाजवा और ये है मेरा बेटा मोहम्मद सुभान सुहेल। आज हमने सोचा कि क्यों ना नाश्ता करने के लिए बाहर जाए और बाहर जाके हम कुकिंग करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड और अभी आपको दिखाएंगे कि हम कैसे बाहर जाके आज का नाश्ता तैयार करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। हम नाश्ता करने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कुकिंग करने। आज बच्चों चलो चलो डोर ओपन करो। लेकिन कह रहे हैं तो आज बेटा हम खाना बना रहे हैं। अभी आग बना रहे हैं।
बड़ी बात है, वो बड़ी बात है। जल्दी लाओ, मुझे पसंद नहीं है। जी मैंने साइड पे हूँ, इस साइड पे आए, उधर दरख्त के साथ खड़ी हो जाए, पीछे नहीं जाए। जल्दी लाएं, जल्दी लाएं, जल्दी लाएं। मत लो। ना ना बेटा, लकड़ी में आग पकड़ ली, इसका मतलब नहीं है कि लकड़ी में आग पकड़ी। चलो जिम्मेदार साइड पे हो जाओ बेटा, आप साइड पे बर्तनों में तुम्हारी शाखें। चलो जिम्मेल साइड पे हो जाओ बेटा, आग लग जाएगी, पीछे हो जाओ आप, पीछे हो जाओ बेटा, आप साइड पे हो जाओ। आप जिम्मेल साइड पे हो जाओ बेटा, बहुत हीट है, साइड इधर आ जाओ, आप इधर बैठो भैया के पास आके, आप हैंग दो इधर। चलो साइड पे हो जाओ, हमने अपना जी काम स्टार्ट कर दिया है, और जो है लकड़ी ने आग पकड़ ली है, और अब हम यूज़ करेंगे कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल से हम बनाएंगे सबसे पहले ऑमलेट एग। अब इसमें हम डालेंगे रेड चिली, और रेड चिली के बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, और फिर हम डालेंगे इसमें टर्मेरिक पाउडर, हल्दी, और इसमें हल्का सा ऐड करेंगे चाट मसाला। ओके जी, सो अब अंडों को हम अच्छी तरह फेंट लेंगे, सो अब आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग भी जो है वो कभी कभार फैमिली के साथ बाहर आएं और बाहर कुकिंग का जो है वो इन्जॉय करें, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फैमिली की टाइमिंग, जो वो इकट्ठे गुजार रहे होते हैं, जो वक्त इकट्ठे गुजार रहे होते हैं। घर में तो खाना बनता है, रोज़ बनता है, हर घर में बनता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उसमें खुद इन्वॉल्व हों। स्टॉप कर,
ये हमारा हो रहा है ऑमलेट तैयार, और आज हमारा प्लान है कि सुबह का नाश्ता जैसे हमने कहा था वो हम बाहर कुक करेंगे और कुछ सैंडविचेस बनाएंगे बच्चों। बच्चे भी एक्साइटेड हैं क्योंकि बच्चे भी काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। घरों में आमतौर पर ये बात कम देखने में आती है कि बच्चे किसी काम में पार्टिसिपेट कर रहे हों, तो आज हमने देखा कि बच्चे भी लकड़ियाँ इकट्ठे करने में और चीज़ों को अरेंज करने में काफ़ी उनकी एक्साइटमेंट देखी गई। हमारा ऑमलेट जो है वो तैयार हो चुका है और अब हम जो है इसको प्लेट में निकाल रहे हैं। तो नाज़रीन हमारा जो है वो ऑमलेट तैयार हो चुका है और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होने लगा है। नेक्स्ट स्टेप अब हम तैयार करेंगे इसमें कुछ टमाटर और प्याज का पेस्ट तो नहीं कहेंगे बल्कि इसको हम कुछ टमाटर जो है वो हम फ्राई करेंगे सैंडविचेस के लिए। जल्दी पकड़ाना। ऑयल जो कि हमारा ज़्यादा गर्म हो गया तो हमने जो है वो इसको फ्राइंग पैन को साइड पर कर लिया ताकि टमाटर ज़रूरत से ज़्यादा फ्राई होकर जले नहीं। तो हमारे टमाटर हो रहे हैं फ्राई और जब तक ये होते हैं फ्राई तो उसके बाद हम प्याज को कुछ फ्राई करेंगे फॉर सैंडविचेस। ओके जी, टमाटर हमारे फ्राई ऑलमोस्ट होने वाले हैं। एक साइड फ्राई हो चुकी है, नेक्स्ट हम साइड फ्राई कर रहे हैं और उसके बाद थोड़ा सा हम प्याज को हम फ्राई करेंगे। आप इनको दिखा सकते हैं क्लोजअप में कि टमाटर कितने खूबसूरत लग रहे हैं फ्राई होने के बाद। अब इसको हम सेपरेट प्लेट में हम इसको सेपरेट कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे। अब हमारी बारी है कि हम थोड़ा सा प्याज फ्राई कर लें। अब हम लोग टमाटर और प्याज का एक पेस्ट बनाएंगे। लकड़ी पर पके हुए खाने का अपना ही जायका होता है।
बच्चे जो हैं वो भी अपने काम में लगे हुए हैं फ्राइज बनाने के लिए। इन्होंने भी जो है वो अपना सेटअप रेडी रखा हुआ है, आलू शालू काट रहे हैं। जी बेटा, अच्छा चलो भाई, जिमल को तंग कोई ना करे। अच्छा बेटा, अब इसमें थोड़ी सी हम लाल मिर्च ले। अच्छा, थैंक यू जिमल। और उसके बाद हम थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड करेंगे। हल्दी जो है वो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, खानों में लाजमी शामिल होनी चाहिए। हमारे घरों में हल्दी जो है वो हर खाने में रेगुलर इस्तेमाल की जाती है। ये पाकिस्तान के घरों की एक इसके कल्चर का एक हिस्सा हो चुका है, इसके खानों का एक अहम हिस्सा हो चुका है। नमक, मिर्च और हल्दी, हम थोड़ा सा इस मसाले को पका लेंगे। बेटा मुझे थोड़ा सा पानी दीजिएगा वहाँ से, जी पीने वाला, थैंक यू। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जले नहीं बल्कि अच्छी तरह जो है वो कुक हो जाए और उसमें करवाहट की बजाय जायका महसूस हो। अच्छा, अच्छा जी, हमारा पेस्ट हो गया है रेडी और अब हम इसको एक सेपरेट प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे। सुभान, ये आपके गलती से इसमें गिर गया। जी बेटा, तो टमाटर और प्याज का पेस्ट हमने रेडी कर लिया है और अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट स्टेज। देखिए कितनी प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से और कितना प्यारा कलर जो है वो इसका दिख रहा है। अब जो नेक्स्ट जो स्टेज आती है, इसके बाद हमारा टमाटर प्याज और का पेस्ट तैयार हो गया, हमारे ऑमलेट तैयार हो गया, हमारे टमाटर फ्राइड हो गए। अब हमारे पास, हम लोग बनाएंगे सैंडविचेस के लिए ब्रेड। ब्रेड जो है वो हम ताज़ा ब्रेड लेकर आए हैं और इसे हम सैंडविचेस बच्चों के लिए तैयार करेंगे।
ओके, हमें चाहिए होगा थोड़ा सा ऑयल, जी बेटा मैं भी बात सुनता हूँ। बेटा बार बार दिखना यूनिटी का क्या कह रहे थे आपको, पानी आ रहा है। अच्छा बेटा साइड पे खड़े हो, स्टॉप करें। फ्राइंग पैन क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो गया था, इसमें थोड़ा प्याज हल्का आखिर में हीटअप होने से जल गया था, तो अब हमने दूसरे बर्तन में ब्रेड को फ्राई करने का प्लान किया। बड़े अच्छे टोस्ट फ्राई हो रहे हैं इसके अंदर। इस तरह से हम तमाम बच्चों के लिए और अपने लिए जो है वो हम ब्रेड को फ्राई कर लेंगे, इसको टोस्ट बना लेंगे, उसको अच्छा सा ऑयल, और उसके बाद फिर हम सैंडविचेस की तैयारी में शुरू हो जाएंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप फाइनल प्रोडक्ट को भी ज़रूर देख सकें, और इसके साथ साथ ये कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी आज की ये पिकनिक जो है वो रोड साइड है, साथ ही रोड है, ट्रैफिक गुजर रही है, हम इस चीज़ से बेपरवाह होते हुए कि लोग देखेंगे क्या कहेंगे, लेकिन हम अपनी कुकिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रखा हुआ है। अब वो जिसको ऑयल मिल जाता है वो जलता नहीं, जिसको नहीं ऑयल मिला ना कुछ ऐसे हो गया, इतना फास्ट नहीं है, नॉर्मल है, इतना तो नॉर्मल वो फ्राई वाले करते हैं। मतलब ये ख़त्म कर दूं मैं। फ्रेंच फ्राइज के लिए जो है वो चिप्स काट रहे हैं, उसके लिए आलू काट रहे हैं, और बच्चों के लिए कुछ बना रहे हैं फ्रेंच फ्राइज, और फ्रेंच फ्राइज से पहले आलू को हम थोड़ा सा करेंगे बॉयल, हल्का सा बॉयल करने के बाद इनको हम फिर करेंगे डीप फ्राई। जब तक ये आलू फ्राई होते हैं हम तब तक सैंडविचेस पर जाते हैं, और बच्चों की क्योंकि भूख बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है तो आप ज़रा उनको हम सैंडविचेस करें। तो नाज़रीन हमारा मटेरियल तैयार हो चुका है, उधर हमारे पास जो है फ्रेंच फ्राइज के लिए आलू हम बॉईल कर रहे हैं, अब हम बच्चों को ज़रा टोस्ट बना दें और सैंडविचेस से पहले हम केचप लगाएंगे, केचप जो है वो है नेशनल टमाटो केचप। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्टेंट है कि हमने इन पे टमाटोज़ लगा लिए, टमाटोज़ लगाने के बाद फ्राइड टमाटोज़ आ जाएंगे, और फ्राइड टमाटोज़ के बाद हम इसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। और इसको ऐड करने के बाद लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे ऑमलेट जो हमने तैयार किया था। जिमल आपको केचप पसंद है? Yes. कितना पसंद है आपको केचप? ज़्यादा पसंद है? Yeah.
ओके ओके ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो चलो ठीक है, मैं आपको देता हूँ आपको बेटा। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है हमारे पास जो क्या कहते हैं इसको, ये हमारा पहला सैंडविच क्या, और पहला सैंडविच किसको चाहिए? पहला सैंडविच मिलेगा जिम्मल को। किसको मिलेगा? जिम्मल को। जिम्मल हमारा प्यारा बेबी है ना, सबसे पहले हम देंगे सैंडविच किसको देंगे? जिम्मल सुहेल बाजुआ। ओके 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 ओके। अब यहाँ से देखिए कि केचप जो हमारा सैंडविच जो है वो तैयार हो चुका है, और उसके बाद जो है ओके ओके जी, जिम्मल बाइट लेके दिखाएं कैसा लगा आपको। बाइट ले, चख के दे कैसा लगा। ओके जी, ये सैंडविच हो गया है तैयार अयान के लिए। अयान ये आपका सैंडविच पकड़ लें। अच्छा बाइट लेना है, बाइट लें। ओहो गिर गया नीचे बेटा, ध्यान से खाओ खाओ खाओ। ये आपकी प्लेट में मैं रख रहा हूँ, पकड़ें इसको जी। अब हम तैयार कर रहे हैं सुभान के लिए सैंडविच और अयान के लिए सैंडविच। तो अब ये हमने पहले फ्राइड जो है वो टमाटोज लगाने के बाद, फिर हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट और साथ में केचप, और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें ऑमलेट। जी जी, अब ये हमारा जो है वो ऑमलेट भी इसके अंदर आ गया, और इसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे दूसरा स्लाइस, और दूसरा स्लाइस रखने के बाद ये है सैंडविच किसका तैयार हो चुका है? सुभान सुहेल का। अच्छा जी, अब ये सैंडविच तैयार होने के बाद हम इसको थोड़ा सा काट देते हैं सुभान के लिए। सुभान काटे खाना है, ऐसे ही खाएंगे? काट के खाएंगे, ठीक है जी। तो हम इनके सैंडविच को भी यहाँ पे कट हम कर देते हैं। सैंडविचेस हम इकट्ठे रखेंगे और उसके बाद फिर मज़े मज़े से हम इसको खाएंगे। ओके जी, सुबह आयान मुझे प्लेट दीजिए। थैंक यू। मैं कट में रखूं? इसी में। ये था जिमल का सैंडविच था, और जिमल ने अपने जो है वो ऑमलेट जो है वो कितना ज़्यादा गिरा दिया। अब नेक्स्ट सैंडविच तैयार हो रहा है जी। पहले आयान का तैयार हो गया था, अब सुभान का। या पहले सुभान का तैयार हुआ था? पहले सुभान का तैयार हो गया था, अब बारी आई है आयान की। मुझे केचप टमाटर नहीं पसंद। केचप नहीं पसंद आपको? केचप नहीं डालना आपने? नहीं आया इसके साथ। अच्छा, फिर आप किसके साथ? अस्सलाम वालेकुम। अब हम बच्चों के लिए जो है वो कुछ फ्रेंच फ्राइज बनाने लगे हैं, और फ्रेंच फ्राइज के लिए हमने आलू को पहले हाफ बॉयल हमने कर लिया था, और अब हम तेल को गर्म होने का वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें आलू को डाल देंगे, ताकि ये अच्छे से फ्राइज फ्रेंच फ्राइज जो है वो तैयार हो जाए। थैंक यू। ये YouTube पे भाभी भी आएंगी। ओके जी, अब हम इसमें जो है वो फ्राइज के लिए कटे हुए आलू डाल रहे हैं, और फिर कुछ देर में जो है वो आलू फ्राई हो जाएंगे और फ्रेंच फ्राइज तैयार हो जाएंगे। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए सबसे पहले हमने आलू जब काटे तो उसके बाद उसको हमने हाफ बॉईल किया, और हाफ बॉईल करने के बाद उसको हम अब फ्राई कर रहे हैं। ऐसा करने से जो हाफ बॉईल आलू को यूज़ करने से जो है वो जो फ्राइज हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो आज हमने सोचा कि इस तरह से भी हम यहाँ पर फ्राइज बनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और शेयर करना नहीं भूलना। सुहेल मुमताज़ बाजवा। फ्राइज़ तकरीबन तैयार होने वाले हैं, और थोड़ी देर में फ्राइज़ तैयार हो जाएंगे, और उसके बाद हम इसको सर्विंग ट्रे में निकालेंगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर इनका जो है वो आ रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि ये टेस्ट में भी उतना ही अच्छे इंशाल्लाह ताला क्रिस्पी फ्राइज़ जो है वो बने। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो आज की कैसे लगी। आज जो है वो आज की तारीख क्या थी? 12 सितंबर, और 12 सितंबर 2021 को हमारा ये व्लॉग बना था। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
अभी हम इसका आपके सामने इसको यहाँ से साइज को बाहर निकालेंगे और अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएंगे। सुभान बेटा मुझे थोड़ा पानी दीजिएगा। ये देखिए जी हमारे आज के फ्रेंच फ्राइज तैयार और बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं और बड़ा प्यारा खूबसूरत कलर इसका आया है और इस पर अभी हम सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद मज़े से बच्चों के साथ खाएंगे। तैयार हैं बच्चों के लिए और अब हम इनको सर्व करेंगे। हिमालयन सॉल्ट जो है रॉक सॉल्ट, इसमें सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसमें हिमालयन सॉल्ट हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर और अब बच्चों से कहेंगे बच्चे बच्चा पार्टी ये आपकी ट्रीट, आपने इतना सफ़र किया, सैंडविचेस भी खा लिए और अब उसके बाद आपके पास ये। अब मैं एक साइड पे कैचअप के साथ ज़्यादा मज़ा आता है ना बच्चों। चलो एक साइड पे यहाँ कैचअप, जिमल के लिए यहाँ, सुभान लोगों के लिए यहाँ, अयान ये आपका, अनुषा ये आपका। चले सबर यहाँ से क्लोजअप लेके पीछे वापस आइए। और हमारे साथ आज कुछ और बच्चे हैं, हमारे जो हैं दोस्त हैं उनके बेटे हैं, हमजा है, अनुषा है और फारूक भाई हैं। और आज के लिए अल्लाह हाफिज, सी यू सून इंशाल्लाह ताला विद अनदर व्लॉग। सब्सक्राइब करना और लाइक एंड शेयर करना, बिल्कुल नहीं भूलना। कैसे बोलना जिमल? बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज। तो व्यूअर्स अब हम जा रहे हैं चाय के लिए, पहले प्लान था चाय यहाँ बनाएंगे लेकिन अब थोड़ा प्लान में थोड़ा स्विच है,